जीतेगा भाई जीतेगा, जी ये जोश ये बलबला लोगों में पाया जा रहा है, सो आए बात करते हैं। क्यों जीतेगा? रिश्तेदार है ना आपका, रिश्तेदार है। क्यों इंडिया जीतेगा? इंडिया ये दार बार की यार, तुसी मेरे सामने गाला, मतलब राहुल द्रविड़ आपका कजन है? नहीं मेरा का तो कजन सवाग पता नहीं कब ये दिन गुजरेगा, और कल मैं शहंशाह की बॉलिंग देखूंगा। ओए ओए जिस तरह से उसने यॉर्कर मार दी है, नसीम शाह ने जिस तरह से बॉलिंग करनी है, और जिस तरह से बाबर आजम ने इस तरह से पीछे रख के ड्राइव्स मारने हैं। ओए 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 ओए, कांट वेट, बिकॉज बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है। और जब आके रिजवान ने ये इस तरह से स्वीप मारनी है, हेलो एवरीवन, दिस इज मी सिप्तान जाफरी एंड यू आर वाचिंग सियालको टीवी। होप यू आर परफेक्टली फाइन एंड डूइंग वेल। ओके, आई एम टोटली एक्साइटेड। बबरजेट क्यों? क्योंकि मैच होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। ओए यार, कौन जीतेगा बताएं। मैं भी एक्साइटेड हूं, मुझे पता है आप भी एक्साइटेड है। सो आए सियालकोट आवाम से पूछते हैं, कौन जीतेगा, इंडिया या पाकिस्तान? म्यूजिक जोश टाकरा होने वाला है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे जी, क्यों नहीं, अपना मुल्क है, अपनी कंट्री है, उसी को सपोर्ट करेंगे। आपने बोला था बुमराह की जो जुमरा है सारा उतार देंगे। बब्बर शेर ये जोश है। अच्छा मुझे बताएं आपको किस पे ज्यादा यकीन है? बाबर आजम बहुत जो है ना, हमें उस पे बहुत यकीन है, और शहीन शाह अफरीदी पे बहुत ज्यादा यकीन है, क्योंकि वो इस टाइम बहुत फॉर्म में है, उड़ा के रख देगा किलियां। बताएं कि बुमराह यॉर्कर बहुत कमाल की करता है, शर्मा छक्के मारता है, कोहली की ड्राइव्स, शर्मा की शर्म उतार देंगे, बुमराह का जुमरा भी लगा देंगे। कोई ऐसा मसला नहीं, छक्के मारता तो हम भी मारते हैं, बैट हमारे हाथ में भी है, रोटी हम भी खाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जब मैच बढ़ेगा फिर पता चलेगा, आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को फतह मिलेगी। मैच साड़ी जिंदगी अपनी मैच बनी पड़ी, यही की दसी है सानू। म्यूजिक जीतेगा, आप बताएं पाकिस्तान जीतेगा? क्यों जीतेगा? क्योंकि हमारे शहीन ने आना है। ओए, किस तरह आना है बताएं जरा। इधर पड़ना बाल, एक दफा बैठ जाना, इधर पड़ गया फिर किधर जाना है? ओए 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 ओए, आप इस स्पिन की बात कर रहे हैं ना? यस। अच्छा आप बताएं आपको किस पे उम्मीद है? मुझे शहीन साहब पे उम्मीद है, उसके अलावा नसीम भी अच्छा है। नसीम भी अच्छा है, और कौन अच्छा है? बैटिंग की बात करें ना, बॉलिंग की करें, बाबर आजम ने फाड़ देनी है। ओ बब्बर शेर, तुम मेरे साथ मिलके अभी करें ना, अभी पाकिस्तान जीतेगा। उसकी वजह क्या है बताएं? पाकिस्तान के खिलाड़ी साढ़े A1 है। बब्बर शेर A1 है। अच्छा मुझे ये बताएं कि उस दूसरी तरफ कोहली है, शर्मा है, और बहुत टफ टीम है उनकी, किस पे ज्यादा उम्मीद है? मैं मुझे लगता है ये कि हारिस रऊफ को ओपनिंग पे लाना चाहिए, क्या ख्याल है? बिल्कुल इनके मुताबिक हारिस को ओपनिंग पे आना चाहिए। बिल्कुल हारिस के साथ हम शदाब को ओपन पे कर ले। जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा इंडिया, क्यों नहीं जीतेगा? उसने हमें बची दी भी है। अच्छा मतलब उनकी टीम अच्छी है, इस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उनके पास बहुत कमाल की बॉलिंग है, बैटिंग है। सर हमारे पास सब कुछ है। क्या सब कुछ है? बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग है, जज्बा है, अल्लाह है। मेरे साथ सामने देखे पाकिस्तान जिंदाबाद जी। वालेकुम सलाम। अच्छा कल का मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, बताएं कौन जीतने वाला है? इंडिया। ओए ओ भाईजान, क्यों इंडिया जीतेगा? इंडिया ये दार बार की यार, तुसी मेरे सामने गल ना करो कि इंडिया जीतेगा। कौन जीतेगा? मतलब राहुल द्रविड़ आपका कजन है? नहीं मेरा का तो कजन है। सवाल किसने किया? पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया ही जीतेगा। आपको हिजरत तो नहीं करके आए इंडिया? यार पाकिस्तान जीतेगा। क्यों जीतेगा? क्योंकि शाहीन अफरीदी की वो जो रोहित शर्मा को बॉल है ये नहीं ये क्या होता है? ये बॉल भाई अंदर आऊं। अच्छा बताएं मुझे पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? पाकिस्तान को चाहिए बस वो 3-4 आउट कर ले, और बाबर को चाहिए थोड़ी सी कप्तानी ना। तन जीतेगा। ओए होए होए, तो मेरे साथ एक नारा लगा देना, पाकिस्तान जिंदाबाद। वोट कर रहे हैं आप पाकिस्तान को? आप किसको कर रहे हैं? पाकिस्तान भाई। बुजुर्गों आप बताएं पाकिस्तान। सो कोई एक टिप देना चाहते हैं कि किसको किस तरह से खेलना चाहिए? बाबर आजम को अच्छा खेलना चाहिए इंशाल्लाह। तो आप समझते हैं कि शदाब को ओपनिंग करवा देनी चाहिए? करवानी चाहिए। बिल्कुल एक अच्छा प्लेयर है, उसको ओपनिंग करवानी चाहिए। और किसको शदाब के साथ भेजना चाहिए?
मेरा ख्याल है आगा सलमान जो है वो भी अच्छा बैट्समैन है, उसको भी ओपनिंग पे शताब और आगा सलमान ओपनिंग पक्की है जी इनकी तरफ से, क्या बात है जी। इनसे पूछते हैं आप बताएं कि किसको ओपनिंग पे आना चाहिए। भाई सब अच्छे इंसान है जितने भी खिलाड़ी, आपको लगता है कि शताब से अटैक करवा देना चाहिए। आई लव यू पाकिस्तान, आई लव यू इंशाल्लाह, आई लव यू। प्यार करते हैं ये और ये कहते हैं। अच्छा उधर से बुमराह बैटिंग करने के लिए आ रहा है, धोनी के साथ बुमराह आ रहा है, तो आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, उनकी उनकी बैटिंग भी अच्छी है, लेकिन जो कुछ भी है ना हर इंसान अच्छा अपनी अपनी जगह, हर इंसान बैटिंग की बात कर रहा हूँ, अच्छे हैं वो भी, अच्छे हैं वो भी, अच्छे हैं, क्या बात है जी। बुजुर्गों से पूछते हैं, बुजुर्गों से, बुजुर्ग पाकिस्तान वजह जीतेगा या जीतेगा। आपको लगता है कि शहीन को ओपनिंग पे आना चाहिए, बैटिंग करनी चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं, शहीन के साथ नसीम शाह को ओपनिंग पे आके बैटिंग करनी चाहिए। सही है, सही है, ये इन्होंने कह दिया ठीक है बिल्कुल। म्यूजिक बाबर आजम को चाहिए कि होदा ओपन पे आए। बाबर साहब आप सुन रहे हैं, इनके मुताबिक आपको ओपन पे आना चाहिए, उसके अलावा और पाकिस्तान जरूर जीतेगा, हमारी दुआएं हैं कि इंशाल्लाह ताला हम इंडिया को जरूर हराएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह देखें दूसरी तरफ कोहली है, शर्मा है, उसके अलावा उनके पास बुमराह है, बहुत कमाल की बॉलिंग है और बैटिंग है। सो कोई बात नहीं, हमारे पास भी बाबर आजम है, रिजवान है, इंशाल्लाह ताला वो ओपन ही पूरी करके आएगी। बब्बर शेर इनको याद है वो मैच 2020 का 150 अकेली ओपनिंग ने किया। सो मेरे साथ मिलकर पाकिस्तान। जी हमारे बच्चे भी किसी से कम नहीं है और बच्चों की जो एक्साइटमेंट है वो भी पीक पे है। सो इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि कल का मैच कौन जीतेगा जी। क्योंकि मुझे लगता है कल का मैच पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि आपने सबसे पहला जो मैच हुआ था पाकिस्तान का नेपाल के साथ, आपने देखा कि बाबर पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत। किस तरह जीतेगा, क्यों जीतेगा? बॉलिंग उनकी बहुत है, वो तो उनकी बैटिंग भी तो अच्छी है ना, अच्छी है ना। बाबर आजम, बाबर आजम कवर ड्राइव किसकी अच्छी है मुझे बताए। ओए ओए ओए, सो मेरे साथ मिलकर बोले ना, बब्बर ये जीतेगा भाई, जीतेगा जी, ये जोश ये बलबला लोगों में पाया जा रहा है। सो आए बात पाकिस्तान को जितवाएंगे, वजह क्या है? पाकिस्तानी तो पाकिस्तान को, पाकिस्तान इस मतलब अगर इंडिया अच्छा गेम करता है तो फिर आप इंडिया को सपोर्ट नहीं करें? नहीं भाई, गेम आपके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए भाई जान, आप कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन स्पोर्ट तो पाकिस्तान को ही करना है, वोट करेंगे आप क्यों, क्या स्ट्रेटजी है आपके पास? पाकिस्तानी जाहिर सी बात है पाकिस्तान को, यार वजह तो बताए ना। बिल्कुल ठीक है, ये कंट्री है, जीत तो हिस्सा है ना मतलब खेल का। देखें कोई स्ट्रेटजी बनाई है पाकिस्तान ने कि किस तरह से जीतेंगे, इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, बहरहाल हमारी पाकिस्तान के साथ। तो मेरे साथ मिलकर पाकिस्तान, आप पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे? आपको लगता है कि बुमराह को कल बैटिंग करवानी चाहिए? पता को नहीं पाजी, उन्होंने पूछा जी जी जी, बुमराह बहुत अच्छा बैट्समैन है, उसको कल बैटिंग करवानी चाहिए ओपनिंग पे। शहीन के इधर भी चाहने वाले मौजूद है। अच्छा उसके अलावा आप कोई टिप्स देना चाहते हैं पाकिस्तानी टीम को? पाकिस्तानी आप ही बेहतर जानते हैं साडे नालों, असीं आप इंडिया से आए हैं। नहीं पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर बताए ना टिप दे उनको। टिप मतलब है भी अच्छी जरूर है, कोई टिप 30 रुपए निकाल के दे दे। टिप मतलब है 100 रुपए निकाल के दे दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जीतेगा कल। अच्छा उसकी वजह क्या है, क्यों आप सपोर्ट कर? अच्छे बॉलर है, अच्छे बैट्समैन है, तो इंडिया के पास भी तो है बुमराह, लेकिन शाहीन फरीदी को नहीं भूल गया, वो अच्छा बॉलर है उसे। ये मतलब वो ये क्या होता है, स्विंग करता है, स्विंग करता है, कोहली को उसने बोल्ड किया पिछले बार। कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने जा रहा है तो कौन जीतेगा, क्यों जीतेगा? रिश्तेदार है ना आपका, रिश्तेदार है, क्या लगता है आपका? हमसाया लगता है। वो पुफी का बच्चा है आपकी, खाला का बच्चा है, पाकिस्तान इनका हमसाया भाईजान, किस तरह रिश्तेदार है? एक दोस्त है ना, दोस्त है। आप किधर से हो? हम अफगानिस्तान। आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो? सो मेरे साथ मिलकर पाकिस्तान।